मैं जब स्कूल जाता था तो किसी गाय बछड़े बैल को रोटी खिलाकर ही जाता था। उस समय हमारे शहर में सिर्फ एक ही गायशाला होती थी जो हमारे घर से थोड़ी दूर पड़ती थी। इस कारण मैं वहाँ पर जाने की बजाय अपने घर के बाहर रुक जाता और वेट करता कि शायद कोई गाय आए, मैं उसको रोटी खिलाकर फिर अपने स्कूल जा सकूँ। अब कई बार क्या होता कि उधर तो मेरे स्कूल का टाइम पूरा होने वाला होता था और इधर ना कोई मैडम आ रहे हैं, ना कोई सर आ रहे हैं, ना ही उनके कोई बच्चे आ रहे थे जिसको मैं रोटी खिला सकूं। तो मैं क्या करता कि जो मेरी रोटी होती थी वो मैं अपने साथ ले जाता और मैं स्कूल के रास्ते में किसी गाय बछड़े बैल को ढूंढता कि अगर मुझे कोई मिल जाए तो मैं उसे ये रोटी खिलाकर अपने स्कूल की तरफ जा सकूं। आज उस बात को 7 से 8 साल बीत गए हैं और अब मेरी स्टडी कॉलेज तक पहुंच गई है। आज हमारे शहर में 7 से 8 गौशालाएं भी आ गई हैं, लेकिन एक दुख की बात है। दुख की बात यह नहीं है कि हमारे शहर में 7 से 8 गौशालाएं हैं, दुख की बात यह है कि पहले जब स्कूल टाइम मुझे किसी गाय बछड़ा बैल ढूंढने के लिए रुकना पड़ता था, लेकिन आज मैं जब अपने घर से कॉलेज का रास्ता तय करता हूँ तो मुझे गाय बछड़े बैल के कारण रुकना पड़ता है। सच बताऊँ तो मैं घर से ये कहकर निकलता हूँ कि हे भगवान, मुझे रास्ते में कोई ऐसा जानवर ना मिले जिसके कारण मुझे अपना वाहन रोकना पड़े। अब सवाल तो यह है कि भाई पिछले 7-8 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इन सभी की संख्या सड़कों पर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है।